दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय, मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर कुछ अपडेट में नई नई लेकर आपके सामने आ रहा हूँ कि जिसको कहते हैं प्याज के छिलकों को अंदर से खोलते जाना और नई नई परख निकलते जाना। तो वो कुछ अपडेट है ना, अगर मान लो आपने देख ली और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो रहा है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर समझ में नहीं आता है, तो वीकली निवेश, 15 दिन निवेश, 20 दिन निवेश की कुछ स्ट्रेटेजी होती है। वो स्ट्रेटेजी अगर आप सीख ली है ना, तो भी आपका म्यूचुअल फंड, SIP और LIC से भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। देख लो, म्यूचुअल फंड जो है ना, यहाँ पर 12% रिटर्न देता है। टीवी में बड़ी बड़ी एड आती है, और टीवी में जब बड़ी बड़ी एड आती है तो सिर्फ लास्ट में कुछ बोल दिया जाता है कि आप जो भी कुछ सेविंग कर रहे हैं वो बाजार के जोखिमों के अधीन है, यानी जो भी कुछ आप सिग्नेचर करें तो वो सारे रूल्स है ना वो पढ़ कर किए, ताकि आप समझ पाओ कि भाई मुझे कितना परसेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है मार्केट के अंदर, कि मार्केट में जब भी कोई म्यूचुअल फंड, SIP या फंड है, या कोई भी आप निवेश करते हो, तो वो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और उनको पूरे इंस्टीट्यूशन को सारा नॉलेज होता है, बिकॉज के वो लोग हैज करने वाले लोग होते हैं। तो ये लोग तो उतरते हुए भी मार्केट को कमाते हैं और चढ़ते हुए भी मार्केट को कमाते हैं। इसमें क्या होता है, SIP का जो रिटर्न है ना, वो मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना नहीं आता है। और लोग सोच रहे हैं मेरे पास वक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो सारी जो बहानेबाजी होती है उसमें सारा का सारा जो पैसा और समय जो भी कुछ हो निकल जाता है, और संतोषकारक रिजल्ट मिलता है उससे ज्यादा तो बेस्ट रिजल्ट मिलता नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग जो है मुझसे जुड़े हैं और मुझसे मुझे कहते हैं कि सर बोले कुछ ऐसी अपडेट दिया करें, मुझे आपके ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, तो आपकी वजह से मुझे जो भी कुछ अर्निंग मिलेगी तो मैं अपने आप को कुछ बेस्ट बना पाऊँ अर्निंग के बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए, तो जो मुझे खुद गाइड करते, तो उन्हीं गाइड करने वालों में शायद आप भी अगर कुछ सेविंग करना चाहते हो और एजुकेशन करके सेविंग करना चाहते हो, सीख कर सेविंग करना चाहते हो, जो म्यूचुअल फंड, SIP वालों को, इंस्टीट्यूशन को आता है, प्रो को आता है, उस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायी साबित होने वाली है। तो यहाँ पर पूरा नॉलेज है, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी नॉलेज है, जहाँ पर मैं इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ, और मेरे ग्रुप के अंदर मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ बराबर। तो ये मेरा जो है माइंड पावर कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा एजुकेशन ज्ञानदीप माइंड पावर है, ये मेरा पूरा फॉर्म है और इसके अंदर मैं सिखाता हूँ। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर, जो आपको फोकस पे भी मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया, चार्ट लिंक से कैसे स्टॉक को, वीकली निवेश को आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो वो कैसे रिसर्च करते हैं वो जाके पहले देख लेते स्टेप बाय स्टेप बराबर। आप समझो नए हो तो आपको समझ लो कि ये चीजें नहीं आती है, तो यहाँ पर जाके चार्टिंग लिखना है बराबर। ये स्क्रीनर पे आए, गूगल पे जाके क्रोम पे गए, उसके बाद में स्टॉक रिसर्च टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर। अभी ये स्कैनर जो है ना, ये पूरा स्कैन करके देता है आपको, बायफरगेट करके देता है, तो उसमें जाते हैं हम लोग, ताकि आप की मास्टरी क्या है, आपकी मास्टरी अगर सेविंग की है, आप मान लो सेविंग करना चाहते हो तो आपको सेविंग के स्टॉक ढूंढने, आप अगर ऑप्शन ट्रेडर्स हो तो आपको ऑप्शन के स्टॉक ढूंढने, कुछ भी आपका, आप अगर मान लो कोई अच्छे बेसिक स्टॉक ढूंढना चाहते हो और उसमें आप फंडामेंटल स्टॉक के साथ काम करना चाहते हो, वीकली, 15 दिन या 1 सालाना स्टॉक, तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये चीजें है ना, ये बहुत ही काम में आती है। देखो यहाँ पर जो बड़े बड़े बिग बुल होते हैं ना, इसी का यूज करते हैं उनके जो फंडामेंटल एनालिसिस वाले, और इसी में से स्टॉक रिसर्च करके निकालते हैं कि कौन सा वॉल्यूम में स्टॉक है। तो आप सोचो पहले जो है ना एक साइकोलॉजी थी मार्केट के अंदर कि यार मुझे तो निवेश करना है और मुझे अच्छी कंपनी में निवेश करना है जिसका मार्केट कैप्चर बड़ा हो और जिसका यानी वोलेटिलिटी जिसका हमेशा आए रहता, रिजल्ट अच्छे आते हो। तो देखो जिसके रिजल्ट अच्छे आते होगे ना उसी में आप निवेश करना चाहोगे, ना कि जिसका डेप्थ हो उसके अंदर करना चाहोगे। तो दोनों की साइकोलॉजी अलग होती है। यहाँ पर प्रॉफिट जंप बाय 200 यहाँ पर लिखा हुआ आया बराबर। लार्ज कैप स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जिसका कैपिटल स्टॉक जो है, कैपिटलाइजेशन है जो बड़ा है, जिसका पब्लिक तक, जिसकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अंश में पहुंची, वो उसका है, वो स्टॉक सारे इसके अंदर है। स्टॉक बिलो बुक वैल्यू और अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक समझ लो 10 रुपये का स्टॉक था तो उसकी अंडर वैल्यू एसेट जो होती है 2 रुपया 3 रुपया हो जाती है, तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसको प्रमोटर लोग है ना उछालते बिठाते, यानी कुछ
महीनों तक उसे अंडर रिलेशन रखते हैं, बिकॉज में उसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग फ्यूचर में कर सके। तो वो सारे स्टॉक आपको सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। लो डेप कंपनी का मतलब क्या हुआ कि लो डेप कंपनी का मतलब कि जिस कंपनी ने अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए कोई लोन ली थी, जैसे अदाणी जी ने 745 करोड़ की लोन ली थी कोई सीमेंट कंपनी के लिए, जेके सीमेंट आके कुछ, तो वो जो है ना वो लोन उन्होंने डेप कर दी। तो पहले कम की होगी, फिर डेप कम कर दी, पूरी कर दी। तो वो सारे स्टॉक से आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उन लोगों की जो कंपनी होती है उनका रिजल्ट आते काफी अच्छे आते हैं, तो डिविडेंड वगैरह देता है। डिविडेंड के बाद में वहाँ पे कुछ दूसरी चीजें होती है, स्प्लिट होता है, जो भी कुछ होता है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो वो आप यहाँ से स्टॉक रिसर्च कर सकते हो। तो डेप का मतलब क्या हुआ कि कंपनी डेप तब क्लम कर रही है, उसके बाद में कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, जो होने वाली घटनाएं होती है, वो आपके माइंड में आनी चाहिए। उसके लिए ज्ञान दीप माइंड पर आपको काम में आएगा, जिसे आप टेलीपैथिक माध्यम से पता कर सकते हो कि इस कंपनी में ये होने वाला है, और इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, जिसका डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। तो मैं आता हूँ लो डेप कंपनी में आता हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ें सिखाने में बहुत टाइम जाएगा। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा एनालिसिस आपको इस चार्ट लिंक का करके दिखाऊंगा, पूरा एनालिसिस, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ गया, सब कुछ आ गया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही यहाँ पे। तो मैं आता हूँ पहले मुझे जो पसंद है वो चीज़ पे आता हूँ, जो आपको पसंद है उस पर मैं आता हूँ। तो मैं लो डेप कंपनी में आता हूँ, जिसकी प्राइस जो है अंडर वैल्यू एसेट्स गए थे, साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। और वो कंपनी के स्टॉक जो अंडर वैल्यू एसेट्स आने के बाद में उनका डेप कम हुआ, अब वो उस कंपनी में लोग निवेश कर रहे हैं। तो कौन लोग निवेश कर रहे हैं, बाकी कंपनी जो होती है वो, जैसे कि भी अदाणी जी है या अंबानी जी है, तो ये लोग जो है ना, तो ये लोग क्या करते हैं पता है भाई, जेके स्टील ले लिया उन्होंने, भाई कोई प्लास्टिक कंपनी ले ली, सिंटेक्स प्लास्टिक कंपनी ले ली रिलायंस ने, फिर RIL ले लिया। तो ऐसी जो कंपनियां लेते हैं ना, तो उनके स्टॉक के भाव भी दिन ब दिन कुछ वक्त के बाद में बढ़ जाते हैं। तो पहले लेते लेते वक्त क्या होता है, उनका जो खर्च होता है ना, मेंटेनेंस होता है उनका, जैसे उनको फंड देना पड़ता है, तो वो फंड का जो पैसा है ना वो लोअर यानी अंडर वैल्यू एसेट्स करने के बाद में पब्लिक से, पब्लिक लॉस बुक करती है, पब्लिक डर जाती है, पब्लिक स्टॉक को छोड़ देती है। उसके बाद में पब्लिक जब डर के मारे सारे स्टॉक अगर छोड़ देती है, तो उसके बाद में जब वो सारे स्टॉक खरीद लेते हैं, फिर वो कंपनी सपोर्ट से रजिस्ट्रेशन तरफ आती है। तो वो आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ से मिल जाएगा लो डेप कंपनी से। देखो ये चीज़ है ना, खुद ने समझनी पड़ेगी, जब तक खुद नहीं समझोगे तो कोई चीज़ बाउं कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, सब बाउंसर चला जाएगा, सबका सब बाउंसर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ स्क्रीनर पे बराबर, और ये स्क्रीनर के अंदर से झाके मुझे ये चीजें सब मिल गई कि ये सारी कंपनियां डेप जो लो डेप थी, अब लो डेप कंपनियां जो है ना अभी आज धूम मचा रही है मार्केट के अंदर और बूम कर रही है। और इसी कंपनियों के अंदर अच्छे खासे, अगर मान लो आप स्टॉक रिसर्च अच्छा करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर और एक चीज आपको लिख देनी है कि नियर बाय डिविडेंड, नियर बाय डिविडेंड डिक्लेयर स्टॉक, डिक्लेयर स्टॉक। तो वो जो कंपनियां होती है ना, तो वो कंपनियां जो है होती है, तो इनके ऊपर सारी की सारी कंपनियां जो होती है यानी आ जाती है। तो 30/6 तक जितनी भी कंपनियों ने डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, तो वो पूरा लिस्ट और डेटा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। स्क्रीन पे आ नहीं रहा है कुछ, अभी बफरिंग चल रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पे जो कंपनियां गेन कर रही है, वो सारा जो 6 महीने के ऊपर यानी 6ठे महीने में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, तो पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा। यानी ये जो स्टॉक है ना, ये गेनिंग की तरफ जाने वाले हैं, ना कि लूजिंग की तरफ जाने वाले बराबर। तो ये बुलिश स्टॉक है सारे के सारे। अब इसमें स्टॉक कौन से पकड़ने हैं देख लो, ये सबसे बड़ी चीज होती है ये मार्केट के अंदर। तो स्टॉक जो है सपोर्ट से अभी फिलहाल ऊपर आया, तो वो 3% के स्टॉक है, 3%, और ये स्टॉक है ना ये फिलहाल फिलहाल सपोर्ट से ऊपर गए, और ये सपोर्ट के काफी ऊपर चले गए, यानी ये सपोर्ट रिट्रेसमेंट करने के बाद में डबल टॉप देने वाले। ये जो चीजें सीखनी हो ना, तो चार्ट पैटर्न में मेरे साथ सीखना आराम से, बहुत सारे वीडियो बना के रखे, फिर भी मैं सिखाऊंगा आपको, समझा दे जाऊंगा। और ये ज्यादा डिटेल में सीखना हो तो मेरा ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइफ टाइम जो मेरा ग्रुप है वो। तो मैं जाऊंगा फोर्स मोटर में,
चल अभी फोर्स मोटर जैसी कंपनी में भी लोग निवेश कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम भी फिलहाल हाई है, 1,15,696 का वॉल्यूम है इसका। इजी ट्रिप ये जो है इसका 17 लाख, ये जो इतना वॉल्यूम है इसका, तो ये कहने वाला सबसे ज्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है ना सपोर्ट से ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बराबर, तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूँगा, ये 3-32 वाला जो फोर्स मोटर है इस पर मैं करूँगा फिलहाल, तो इसका डेप कम हो गया। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, तो देख लो क्या हुआ चार्ट पैटर्न के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पीरियड टाइम जो 1 आवर का था, ये 1 ईयर का टाइम मैंने यहाँ पे सेट किया है 1 ईयर का, ताकि मैं साफ साफ चीजों को देख पाऊँ और वो लोग उनकी जो माइंड में चल रही है उस चीजों को देख पाऊँ पहले, तो कि माइंड में क्या चल रहा है, सपोर्ट कहाँ पे लेने वाला है, रजिस्टेंस क्या देने वाला है। इसलिए 1 साल का डेटा पहले देखना जरूरी है। अगर 1 साल का डेटा आप देख लोगे तो आपको साफ साफ चीजें समझ में आ जाएगी कि ये जो कंपनी है इसका जो डेप्थ था, ये डेप्थ यहाँ पे पूरा कर दिया। उसके बाद में 1342 में ये जो हाई था, 1582 का हाई था, और 1342 का जो पीवोट है, वो पीवोट पे आके इसने क्या किया, सेटलमेंट कर दिया। इसको कहते हैं सेटलमेंट करना, यानी यहाँ पर जो भी कुछ उन्होंने लोन ली थी, और लोन लेने के बाद में वो लोन को समझ लो कुछ नुकसान हुआ कंपनी को, ये दिखा दिया गया कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है, नीचे की तरफ में प्राइस एक्शन दे रही है। प्राइस एक्शन देने के बाद में ये जो ट्रिपल बॉटम है, एक दो बॉटम है, दूसरा बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, इसे तीन बॉटम कहते हैं। तो ये ट्रिपल बॉटम जो सीरीज होती है ना 1320 की सीरीज, तो ये उसने तोड़ी नहीं और ऊपर से वापिस डबल बॉटम की तरह चला गया। डबल बॉटम के बाद में तीसरा बॉटम तोड़ा उसने, उसके बाद में ये सपोर्ट पर वापिस आया। 1 साल का चार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत लॉन्ग दिखा रहा हूँ। देखो जो लोग लॉन्ग निवेशक है ना वो लोग ही ये चीजें कर सकते हैं, यानी कहने मतलब। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है कि एक सपोर्ट मिला, दूसरा सपोर्ट मिला, तीसरा सपोर्ट मिला, चौथा सपोर्ट मिला। अब सपोर्ट के बाद में क्या आता है, ब्रेकआउट आता है। क्या आता है, ब्रेकआउट आता है। अब ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, अगर मान लो यहाँ पर आप शॉर्ट्स कर रहे हो ना, समझ लो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट है इस साल के अंदर इस कंपनी का, तो मैं आता हूँ आपको ये मोमेंटम दिखाने के लिए कि किस तरह से मोमेंटम है। तो ये मैं यहाँ पे खींच के आया और इस चैनल को यहाँ पे देख के आया। अब इसे क्या करना है पता है आपको, इसको 1425 के ऊपर जाना है। देख लो मैं आपको सीधा टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है ना वो 100% एक्यूरेसी का एनालिसिस है, जिसमें हम लोग एसएल को कमाना सिखाते हैं। एसएल को लगाना तो ठीक है, एसएल को कमाना सीखना ये भी बड़ी कला है। तो ये जो है ना 1425 का रजिस्टेंस है, और 1425 को रजिस्टेंस को एक बार नहीं तीन बार जाएगा, उसके बाद में 1425 के रजिस्टेंस को तोड़ेगा। फिलहाल जो सपोर्ट है इसका 1327 का सपोर्ट इसने बना लिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से नीचे लाने के बाद में, वो एक नया सपोर्ट बनाने के बाद में ये उछाल कूद करेगा। और मैंने ये 1 साल के अंदर 15 मिनट के चार्ट में मैंने देखा हुआ। यहाँ पे पैरामीटर्स अगर बताने जाऊँ तो 25 EMA, 25 EMA और 14 EMA, पैरामीटर 14 EMA सेट किए मैंने, और 21 दिन की मूविंग एवरेज के करीब करीब आ रहा है, और 10 10 दिन की मूविंग एवरेज के साथ चल रहा है। यानी क्या हो रहा है कि लास्ट में 10 दिन से उसके अंदर काफी वोलाटिलिटी है, जो 21 दिन की वोलाटिलिटी से नीचे जैसे आती है ना तो तुरंत ऊपर खींच कर चले जाती है। तो यहाँ पर ये 25 जो ईएमए पैरामीटर्स लगा हुआ है ना, ये 25 दिन के नीचे आना यानी वापिस खुद के ऊपर लेके जाना, इसका मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मार्केट 52 वीक के लो की तरफ होता है ना, तो 52 वीक के लो का मतलब क्या हुआ कि 52, उसका मतलब 25 रिवर्स में, 25.0 उसका मतलब क्या हुआ कि 250 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चला गया मार्केट, सपोर्ट को तोड़ दिया उसने। ये डिजिट का जो फॉर्मूला है ना, ये गणित शास्त्र के अंदर आता है। ये गणित शास्त्र जो होता है, मैथमेटिक्स होती है, जो बीज गणित होता है, और जिसको स्टेटिस्टिक का नॉलेज होता है, जिसको इकोनॉमी का नॉलेज होता है, उसी को पता चलता है। उसके बाद में आती है भैया जो ये 11 जो है ना, यहाँ पे 11 EMA, उसका मतलब 110 EMA। 110 का मतलब क्या हुआ कि 52 वीक का जो रजिस्टेंस है उसको तोड़कर वापस वो 52 वीक के लो की तरफ जाता है। तो जब लो की तरफ जाता है तो डबल बॉटम कहते हैं उसके, उसको डबल बॉटम कहते हैं। और जब पीवोट पे चला आता है तो पीवोट पे इतनी मेहनत करके आया है भैया ये 1342 पे, तो थोड़ी ना ये नीचे जाने के लिए आया, तो ऊपर जाने के लिए अभी तो नया सपोर्ट बनाएगा। ये 1327 का नया सपोर्ट बन गया,
बराबर 1327 का नया सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से 7 की जो डिजिट है उसको अगले 7 की तरफ ले जाती है, तो 7 का गुणन करना पड़ता है यहाँ पे, तो 7 5 45, 7 6 42, 37 37 49। अब ये आ गया रजिस्टेंस, तो 49 का मतलब क्या हुआ, 9 4, तो 9 का मतलब क्या हुआ, 1394 आया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, 1394 का टारगेट देता हूँ आपको। इधर देखो कैसे ये छोटे मोटे स्टॉक होगी ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, 1394 का टारगेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। 1300, देखो ब्रोकर कैसे हैं टारगेट निकालते, अब 1394 का यहाँ पे टारगेट निकल के आया, और ये टारगेट जो है यहाँ पे हिट हो गया, समझ लो ये टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। अब इसके बाद भी लोग क्या करेंगे, शॉर्ट्स करेंगे, लोगों को बहुत जल्दी होगी शॉर्ट्स करने की, तो ये क्या करेगा, 1425 को चला जाएगा, यानी दूसरा टारगेट जो होता है ना इसका, ये 1425 का टारगेट होता है, तो 1425 का टारगेट यहाँ पे, कहने का मतलब, तो 1425 का नेक्स्ट टारगेट। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर मान लो आप ट्रेडिंग करते हो ना, जिस चीज की पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सेटलमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये जो है ना 1425 को, ये एक साल का जो पीरियड है वहां जाएगा, तब जाके दोनों में कॉम्प्रोमाइज होगा, पहली बात दोनों में, तो ये चीज होती है, ये सेटलमेंट कहते हैं। अब मुझे जो सर है ना मेरे, तो मुझे बोले सर जी सेटलमेंट क्या होता है, तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि दो जो बंदे हैं ना झगड़ रहे थे लड़ रहे थे, अब गए चाय पानी नाश्ता किया, समाधान कर दिया, जो उनका केस चल रहा था वो केस को उन्होंने क्लोज कर दिया, इसको कहते हैं सेटलमेंट। अब इससे अच्छा तो मैं क्या समझा सकता हूँ, मुझे बताओ, जीवन के जो उदाहरण है वही स्टॉक मार्केट है यहाँ पर, और कोई बड़ी चीज नहीं है स्टॉक मार्केट, और यहाँ पर जितनी भी चैनलें बन के आई है ना एक साल के चार्ट पे, तो उसी के आधार पर मैं आपको अभी वापिस से नए रजिस्ट्रेशन शॉर्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ, जिसको मैं और करीब लेके आने वाला हूँ, जिसको कहते हैं ये 1 साल का नहीं, अभी मेरा जो 11 EMA चल रहा है, जिसको कहते हैं कि 120 दिन की यानी रजिस्ट्रेशन यानी 52 वीक की हाई की तरफ जिसको कहते ले जाना है, तो उस पर मैं लेके आता और अपडेट कर दिया मैंने चार्ट यहाँ पर। अब ये पूरा चेंज हो जाएगा, देख लो कैसे चेंज हो गया यहाँ पे, हो गया ना कमाल यहाँ पे। अब ये जो बड़ा देखा उसके बाद में छोटा देखना मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, तो देख लो नया सपोर्ट बनाया वापिस उछला, अब इसे क्या करना है, 1327 का जो है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना है भैया। ये जो होता है ना, ये चैनल जो बनती है ना, ये फ्यूचर की जो स्ट्राइक यानी ऊपर की स्ट्राइक, 1400 की स्ट्राइक, 1425 की स्ट्राइक जो इसकी होती है, जो प्रीमियम अगर मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना भी जरूरी है। ये 5 रुपया बढ़ता है तो 50,000 की इनकम दे देता है, यहाँ पे 500 रुपये मिलेंगे तो वहां पे 5,000 50,000 मिल जाएंगे, उसे तो कहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। अब क्या है कि ये जो है ना, ये चैनल जो मैं बना रहा हूँ, इस चैनल का दूसरा कनेक्शन जो है ना, तो वो आता है नीचे के सपोर्ट की तरफ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से करता है ये लोग मार्केट को, ये सिखा रहा हूँ, सीख लो ध्यान से जरा, ये इतना अच्छा जो बता रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, तगड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो तगड़ा जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी ये जो इतनी सारी एसएल खाई है यहाँ पे, तो लोगों को यूँ लगेगा यार ये तो सपोर्ट तोड़ेगा और 1322 को तोड़ देगा तो हम पूरे में कमाएंगे, भैया इतना आसान नहीं है मार्केट को जज करना। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे ये 1322 का मतलब कि 110 मूविंग एवरेज, यानी 11 दिन की मूविंग एवरेज के करीब, यानी दो बीस 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 की मूविंग एवरेज, 25 की मूविंग एवरेज जो मैंने यहाँ पे लगाई ना, 21 की मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाई है, 25 पैरामीटर्स लगाए, जैसे इसके नज़दीक आएगा ना वैसे उसको खींच कर लेके जाएगा, यानी इतना लो तो जाने दो, ये 1325 का ही लो देने वाला, इतना ही लो देगा, यानी यहाँ पे शॉर्ट्स करने वालों की धज्जियां उड़ने वाली है, और शॉर्ट्स करने वाले वहां पर वापिस ट्रैप में आएंगे, तो सीधा मार्केट चला जाएगा कॉल के अंदर, यानी इस वीक के अंदर। तो भैया ये जो स्टॉक है फोर्स मोटर को तो आप शॉर्ट्स नहीं कर सकते, इसको तो लॉन्ग ही करना पड़ेगा 1425, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और चार्ट को मैं अगर कम करता हूँ और इसको मैं 10 डेज की वजह से और 10 दिन की है, मैं उसे मैं और आधा करता हूँ, ताकि ये पीवोट कौन सा नया बनाने वाला है, पीवोट कौन सा बनाने वाला है ना, मुझे 2 दिन में पता चल जाएगा, 2 दिन के चार्ट में पता चल जाएगा, और टाइम फ्रेम में करूंगा 5 मिनट, 10 मिनट करूंगा, चलो 10 मिनट करूंगा, ये मेरा मेथड है। 10 का क्यों किया, बिकॉज के यहाँ पर 3 के गुणांक में मार्केट चलता है, तो 3 के गुणांक में मार्केट चलता है, इसलिए मैंने 10 का किया यहाँ, तो ये हो गया 2 दिन का मेरा मूविंग एवरेज यहाँ। तो ये मैंने चार्ट को मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पर,
अब देख लो 2 दिन के मूविंग एवरेज के अंदर आपको साफ साफ जो मेरा 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 सपोर्ट जो है ना 1327 का सपोर्ट है यहाँ पे, वो आपको नया सपोर्ट बनता दिखाई देगा जहां पर देने वाला है डबल बॉटम देने वाला है। तो डबल बॉटम 1 साल का भी होता है, डबल बॉटम 10 मिनट का भी होता है। 1 साल का देखने के बाद में लोग निवेश करते हैं 10 मिनट के चार्ट के अंदर डबल बॉटम देने के बाद में, वहां से मार्केट को वोलेटाइल करते हैं, यानी वहां से मार्केट को ऊपर लेके आते हैं। तो दूर का देखो और स्टॉक में निवेश करो। और ये लोग जिस तरह से पैनल बनाते हैं ना, तो वो पैनल में अगर मान लो आपको काम करने आ गया ना, तो समझ लो कि मार्केट में तो भैया पैसा ही पैसा है, कहीं पे कोई लॉस नहीं है। जैसे मैंने इस तरह से ये चैनल बनाई, तो एसएल का मतलब होता है कि एसएल का मतलब अगर मान लो कोई बैड न्यूज आई, कोई भूकंप आया, कोई सुनामी आई, समझ लो तो ये आपने अगर मान लो एसएल लगाई है, यहाँ पे डबल बॉटम है, डबल बॉटम के बाद में मार्केट तो ऊपर ही आना है, समझ लो 1327 का सपोर्ट लिया है स्ट्रॉन्ग। लेकिन मान लो कि भूकंप आया, सुनामी आया, कोई आंधी आई, कोई अच्छा तो कोई बड़ा सा न्यूज आ गया, तो ये जो है ना आपकी एसएल यहाँ पे हिट होने वाली है, आपकी एसएल 1300-1500 पे हिट होगी और मार्केट तोड़ के नीचे चला जाएगा, समझ लो। तो ये जो चीज़ होती है बहुत अच्छी मायने रखती है, एजुकेशन बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। तो आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जो भी ऐसा है ना, तो आपको अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप जो मेरा ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। 1445 का इसका टारगेट है। अगर मान लो ऐसी कोई न्यूज़ मार्केट में नहीं आती है बराबर, तो समझ लो कि आपको टारगेट मिलेगा 1425 का इसका, जो बहुत नज़दीक है, दूर भी नहीं है। सपोर्ट अगर 1315 पे सपोर्ट है, और 1515 गुणा मल्टीपल में 3 करता हूँ, तो 1535 करता हूँ, 45 यानी 450 होता है। 450 का मतलब जो सेलर्स का रजिस्ट्रेशन है और सपोर्ट जो है वो तो भैया ऊपर ही पड़ा है, कहने का मतलब तो ऊपर ही देखना पड़ेगा ना। और ऐसे भी जो पैनल बन के आ रही है वो हायर है, ओपन है 1306, 1306 के बाद में 1307 का हायर, लोअर दिया 1305 का, क्लोज किया 1307 को, तो डबल टॉप पे तो क्लोज किया है ना, हायर और क्लोज दोनों डबल टॉप पे क्लोज किया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पिछले दिन जो था वो पूरा 1295 से ऊपर गया। आशा रखता हूँ मेरी वीडियो में कुछ तो आप समझे होगे, सीखे होगे, तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे ग्रुप से जुड़े, जहाँ पर मैं पूरा का पूरा फंडामेंटल सिखाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।